क्या बात है, क्या बात है, मर्डर कर दिया तुमने एकदम। सर यही बात, ये मुसलमानों पे जुल्म सितम की तो वो जवाल आ रहा है, अरबों पे जवाल आ गया। वहाँ पे क्लब्स वगैरह ओपन है, वुमेन्स जो हैं उनको इक्वालिटी के नाम पे वो बेहयाई कर रहे हैं। इंडिया का दर है जी, कश्मीर हमारा टूटंग है, तो उसने लाजमी बताया अपना वोट बैंक के लिए ही सब कुछ कर रहा है, अदर और कोई चीज नहीं है। एक प्रोपेगेंडा के तहत हमें दबाया जा रहा है, हम बहुत ताकतवर हैं। अल्लाह के लिहाज से ताकतवर है नहीं, हमारे वो यूथ है, हमारी एक इकॉनमी है, हमारा फेथ है, इकॉनमी किधर है भाई, है ना। ये नस्लें बर्बाद हो रही हैं, ये पंजाबी पठान नहीं रहे। आज सरगोधा में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया और क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, और यहाँ पर जनाब उसके बाद फिर हमने वही मनाजिर देखे जो हम इससे कई दफ़ा पहले देख चुके हैं। अच्छा। राम उसाद, CIA, ये सब मिले हुए हैं, इसराइल, ये सब मिले हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी इस वक्त बलोचिस्तान में हो रही है आपकी, वो सब इंडिया करवा रहा है, सब कुछ ये इंडिया से हो रहा है। और कोई इंडिया में तो बहुत कम महंगाई है यहाँ से, भाई ने भी हमारे वीजे बंद कर दिए, वो कहते हैं भाई ना आओ यहाँ पर, आपकी जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसे दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तानी होते हुए हमारी वैल्यू ही कोई नहीं है। ये सब एजेंट माफिया का काम है। हमें कोई नवाज शरीफ रोटियां नहीं देता, लेकिन इस मुल्क को एक पार्टी संभाले, चाहे वो पीपल पार्टी है चाहे कोई है। ये तो PTI ने थे, बटेर इनके हाथ आया, लीरो लीर कर गए। एटमी टेक्नोलॉजी है, ताकतवर फौज है, हम बहुत ताकतवर है। ये एक प्रोपेगेंडा है, जैसे वो कल बयान दे रहा था हम 71 में ये होते तो तब, मतलब के तब हमारी क्यादत होती तो हम कुछ और लेते। इन दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तानी मुसलमानों को दुनिया में दबाया जा रहा है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, नस्ल कशी करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों दरअसल हुआ क्या है, UK में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया है, अब उनको डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। दरअसल ये सारे स्टूडेंट्स हमास को सपोर्ट करने में और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने में शामिल थे, और इसी वजह से जो UK का यूनिवर्सिटी का माहौल था वो खराब हो रहा था। जब ये बात पाकिस्तान पहुंची तो काफी कुछ हमें सुनने को मिला है पाकिस्तानी रिएक्शन में। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिसेंटली UK के अंदर क्या हो रहा है कि मुसलमान जो के हमारे जो मुसलमान स्टूडेंट है उनको निकाला जा रहा है, ये कह के कि भाई ये यहाँ पर आके हमास को सपोर्ट करते हैं और इसराइल के अगेंस्ट बात करते हैं। तो सऊदी अरेबिया के अंदर इवन के कोई भी बंदा इसराइल के खिलाफ बोलता है तो सऊदी वाले भी उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, इसराइल की तो इतनी पावर है। क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई में ही सही हुआ कि हमारे तालिबे इलम जो मुसलमान तालिबे इलम है उनको निकाला जाता वहां से, कि भाई इनको बंद कर दो, इनको डिपोर्ट कर दिया, उसे निकाल दिया यूनिवर्सिटी से ही, कैसे देखते हैं इस चीज को? बिल्कुल इस चीज को देखते हैं, ये पावर से बातें ताल्लुक रखती हैं, ताकत से। मगरबी इमाम एक वो अपने आप को मुतहद और वो ताकतवर समझती हैं, समझती नहीं है, दुनियावी लिहाज से पावरफुल, दुनियावी लिहाज से जी। तो मुसलमान जो है एक ये थोड़े से कमजोर भी हैं बज़ाहिर, हाँ हुए, और ये किताबी इन हालात में तो हिकमत से, पावर इज पावर, पावर बिल्कुल पावर, हिकमत से पावर हासिल करनी चाहिए। जब पावर आएगी फिर बात भी होगी, कोई निकालेगा भी नहीं, बल्कि आप ही ये तो फितरी बात है, ये दुनिया में ताकत से जो ताकतवर होगा बिल्कुल सही बात, वही अपनी बातें मनवाएगा भी, और कमजोर की तो बात सुनेगा कोई नहीं सुनता। फिर जैसे ये हमारे जो कायद थे, जब ये सब कॉन्टिनेंट पे ये इन्होंने कब्जा किया ब्रिटिश ने, तो कुछ लोगों ने अपनी वो हिकमत जमा हिकमत से अपने वो सारे दिमाग से और फिर इतिहास से तालीम हासिल की। लिंकन इन में गए, इकबाल भी वेस्ट में पढ़े, बिल्कुल सही बात है, सर सैयद ने भी ये एजुकेशन मूवमेंट चलाई, तो उन्होंने वहाँ पे अपना इल्म हासिल किया, तो वो एक तरह की फ़जा बनाई अपनी बात करने की, सुनाने की, फिर मुसलमानों के हकूक़ की बात की, उनके लिए अचीव किया। फिर वक्त लगता है, हिकमत और ताकत, जब ताकत नहीं तो फिर हिकमत से काम लेना चाहिए। सर तो क्या वजूहत है, क्या वजूहत है कि ताकत भी छिन गई, हिकमत भी छिन गई, किसी काम के नहीं रहे। आज हमारी इकोनॉमी देखे, वस्त दुनिया की, पासपोर्ट दुनिया का वस्त 4 का पासपोर्ट में आता, सबसे खराब पासपोर्टों में, जहाँ पर ईरान, इराक और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग उधर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें जिससे हम अलग हुए हैं, ये कह के कि भाई हमारे जो इखलाकियात हैं, हम आपसे ज्यादा ईमानदार हैं, हम मुसलमान हैं,
तो हम इस ये कह के तो हम तो अलहदा हुए थे इंडिया से, तो आज देखें तो वो ज्यादा डेवलप नजर आ रहे हैं, वो हर चीज में तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी स्टूडेंट की बाहर वैल्यू भी है, उनकी रिस्पेक्ट भी की जाती है जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो हमारी क्यों नहीं है? नहीं, असल में ये बात है कि नरेंद्र मोदी कोई चीज नहीं है, एक प्रोपेगेंडा के तहत हमें दबाया जा रहा है। हम बहुत ताकतवर हैं, अल्लाह के लिहाज से ताकतवर है। नहीं, हमारे वो यूथ है, हमारी एक इकॉनमी है, हमारा फेथ है, ईमान है। किधर है भाई? है ना, किधर है? किधर? मैं कहता हूँ कि अगर ये कौम फैसला कर ले अपनी, वो करप्शन नहीं करनी और काम करना दिन रात जी, और ये तरीम याफ्ता भी है, नौजवान ताकतवर भी है, मेहनती भी है, तो इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी तो एक साल की बात। तो मतलब कि जो नरेंद्र मोदी को बढ़ा चढ़ाकर प्रोपेगेंडा है दुनिया का, प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान एक पावर है और बहुत ज्यादा पावर है, यहाँ इल्म है, यूथ है, एटमी टेक्नोलॉजी है, ताकतवर फौज है, हम बहुत ताकतवर हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है, जैसे वो कल बयान दे रहा था हम 71 में ये होते तो तब मतलब के तब हमारी क्यादत होती तो हम कुछ और लेते वहां से। उसको बताएंगे इंशाल्लाह ये कुछ मुसलमानों का मुराल और पाकिस्तानी कौम का मुराल ऐसे गिराने की कोशिश करते हैं। तो सर यही बात तो मैं कह रही हूँ कि आज़ाद कश्मीर में भी जो एहतजाज हो रहे हैं वो महंगाई के खिलाफ ही हो रहे हैं, फिर इसमें इंडिया का क्या अमल दखल है? क्यों हमारे बात का मलबा इंडिया पे डाल देते हैं? इंडिया हमेशा से कहता आया है कश्मीर हमारी शाहरग है। तो ये बात तो हम भी कहते हैं, अटूट अंग है, सॉरी हम कहते रहे हैं शाहरग है हमारी। इंडिया कहता रहा जी कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो उसने लाजमी बताया अपना वोट बैंक के लिए ही सब कुछ कर रहा है, अदर और कोई चीज नहीं है इसमें, और वो मोबिलाईज कर रहा है और फंड्स कर रहा है। राम उसाद CIA ये सब मिले हुए हैं, इसराइल ये सब मिले हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी इस वक्त बलोचिस्तान में हो रही है आपकी, वो सब इंडिया करवा रहा है, सब कुछ ये इंडिया से हो रहा है। और कोई ऐसे भी ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों की इतनी परचेजिंग पावर नहीं है जिधर जहाँ पर चीज़ों की कीमतें चली गई हैं, तो अगर उनको रिलीफ मिलता है और अगर ये स्टैंड अप करते हैं और उनको रिलीफ मिलता है तो ये है कि गुड फॉर देम और ये अच्छा है कि उनकी फेवर में ये चीज़ जाती है। सर अब ये देखें कि आज़ाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में एक मुनीब नामी लड़का जो है वो नासा के हॉल ऑफ फेम में एंटर हो गया है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया वाले बेसिकली IT की फील्ड में और मैथमेटिक्स वगैरह में हमसे आगे हैं। बहुत वैसे अजीम कौम है, मैं अंदर की बात कर रही हूँ, हमारी कौम अच्छा बिल्कुल कम बैक हो सकता है, चंद महीनों में हो सकता है। मेरे दिल से दुआ कि भाई कम बैक हो जाए जी, कम बैक हो जाए, हालात बेहतर हो जाए, लेकिन हालात उस तरफ जा भी तो नहीं रहे सर। दुबई में जाते हैं हम, वहाँ पर जाके चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, UK में जाते हैं वहाँ पर जाकर हम पुट्टे नारे लगाते हैं, अपने लोगों की तरबियत करें, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, अपनी इखलाकी तरबियत करें, वो चाहे वो दीनी तबका से तरबियत करवाएं, खुद हुकूमती लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, मीडिया तरबियत करे कि झूठ नहीं बोलना अपने, और साथी से कोई चीज़ मांगनी है, कोई जरूरत है तो एक, बल्कि ये मांग के ले, छीन के ना ले, चोरी ना करे। जी जी, रफाई आमा के अदारों को थोड़ा सा और ओपन करना चाहिए। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी चाहते क्या है। पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों को दुनिया के देशों में दबाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं अपनी छाप जरूर छोड़ते हैं। आपने देखा UK के अंदर जिस तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट किए हमास के प्रदर्शन में, और इजराइल के खिलाफ ये लगातार कुछ न कुछ करते आए हैं और इसी वजह से इनको निकाला जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ और केसेस रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी मुसलमानों की एंट्री अब धीरे धीरे बैन होती हुई नजर आएगी। वहीं आलम इस्लाम सऊदी अरब ने भी कुछ लोगों को निकाला है अपने देश से, ये लोग हमास के सपोर्ट में कुछ काम कर रहे थे। अब बात यह आ रही है कि इस्लाम का ठेकेदार पाकिस्तान कहता है कि आलम इस्लाम भी हमारे साथ ये सब कर रहा है। UAE में आपने देखा जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं उनका वीजा बंद होने की बात हो रही है, लगभग वीजा बंद हो चुके हैं, नए वीजा इश्यू नहीं किए जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के लोग UAE या फिर जब गल्फ कंट्रीज में जाते हैं वहां पे काम करने के बजाय भीख मांगना शुरू कर देते हैं, उनकी इकोनॉमी नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते हैं। पिछले साल जब भिखारी पकड़े गए हैं उसमें सबसे ज्यादा सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की निकली, और पाकिस्तानी ऑफिसर्स को सऊदी अरब ने भी और UAE ने भी तलब किया है कि भैया अपने यहाँ से भिखारी भेजना बंद करो। और एक पाकिस्तानी तो प्लेन में खड़े होकर भीख मांगता हुआ पकड़ा गया, बोले तो प्लेन उड़ रहा है और ये पाकिस्तानी भीख मांग रहा है मदरसे के नाम पे, कितनी शर्मनाक हरकत है।
और ऐसा ही आपने देखा किर्गिस्तान में, पाकिस्तानियों ने किस तरह से काम किया है, एक लड़की को छेड़ दिया, उसके बाद मॉब वायलेंस देखने को मिला है। और टर्की के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं तो इंडियन का किडनैप कर लेते हैं, उनके घर वालों से 20 लाख रुपए मांगते हैं। तो ये सब जहनीत आती कहां से है? दरअसल पाकिस्तानियों में है बड़बोलापन, और ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी अमीर बने, जल्दी पैसा कमाएं, पाकिस्तान चले जाएं। दरअसल ये सब इनको इनकी सियासत के लोगों से ही मिली है। सियासत के लोग जब आते हैं अपनी पार्टी लेकर, तो कहीं ना कहीं उनका मकसद ये रहता है कि देश को लूटना और अपने को प्रॉस्पर करना, अपना देश लूट कर ये दुनिया के देशों में अपने लिए प्रॉपर्टीज, अपने बच्चों को दुनिया के देशों में पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत पैसा चाहिए और ये पाकिस्तान को लूटते हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस दहाने पर खड़ा है। अगर आपके कोई विचार हो जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।